हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। 19 जनवरी को मुरीगेट के पास एक पार्क में एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली। ये जो डिजीज्ड था, इसके चेहरे पे कुछ चोट के निशान थे और एक आई के नज़दीक एक ऐसी इंजरी थी जैसे कि किसी ने कुछ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अंदर के साथ, साथ ही साथ इसके मुँह पे और गले पे भी कुछ निशान थे, इंजरीज के निशान थे और वहाँ ब्लड भी काफ़ी बड़ा हुआ। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी एंड जो हालात थे उससे मर्डर केस जैसा लग रहा था। तो इसी पे हमने एक FIR दर्ज की और इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू की। कश्मीरी गेट थाने की पुलिस ने काफ़ी मेहनत करने के बाद जो डिजीज था उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की एंड ये पता लगाया कि ये डिजीज प्रमोद नाम से था और ये खोया मंडी जो वहाँ पे है वहाँ पे ये काम करता था। आइडेंटिटी इसमें हमारी लोकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहा क्योंकि डिजीज के पास से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या मोबाइल या कुछ नहीं मिला था जिससे ये पता लग सके कि ये कौन है। साथ ही साथ उसका फेस भी थोड़ा डिसफिगर्ड हो गया था क्योंकि एक दो दिन पुरानी बॉडी थी और उस पर चोट के काफ़ी निशान थे, तो चेहरा देख के पहचानना भी थोड़ा मुश्किल था। इसके बावजूद जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू उसके डिजीज की आइडेंटिटी का पता लगाया और इस ये पता लगाने के बाद एक इंटेंसिव सर्च चालू हुई उस जगह पे कि किसने ये काम किया होगा या क्या क्या मोटिव रहा होगा इस काम करने का। इसमें जो डिजीज था उसके पास ना ही मोबाइल, ना ही कोई पैसे और ना ही कोई डॉक्यूमेंट पर्स मिला था उस वक्त, तो रॉबरी एंगल भी सस्पेक्टेड था कि हो सकता है शायद किसी ने रॉबरी की हो और फिर बॉडी को यहाँ पे डंप कर दिया। इसी के चलते कंटिन्यूस एफर्ट्स किए गए और कुछ सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई गई जो वो जिसके वो जानकारी में था और जो उसको बता सकते थे कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये अच्छा, ये जो हमारा डिजीज था ये होमलेस था, वेगाबॉन्ड था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये पता लगाना कि ये इसके टच में कौन कौन है और किस प्रकार से इसके टच में। अगेन लोकल इंटेलिजेंस के फील्ड ऑफिसर्स ने ये पता लगाया कि कुछ जने हैं जो वारदात के टाइम के आसपास से दिख नहीं रहे हैं। अब क्योंकि वो वेगाबॉन्ड्स हैं तो इतना आसान नहीं था कहना कि उन्होंने ही किया है या किसी और ने किया है, तो मल्टीपल टीम्स बनाई गई जो अलग अलग व्यक्तियों पे काम कर रही। इसके बाद एक पर्सन पे सस्पेक्ट जीरो इन हुआ जो वहाँ इंटेंसिव लोकल सर्च करने के बाद भी किसी भी होमलेस शेल्टर में मिल नहीं रहा था, तो उसका सिर्फ नाम हमें पता लगा था राजेश नाम से कि हो सकता है ये इन्वॉल्व हो। उसकी सर्च करी गई तो उसके नाम के अलावा उसका फोटो भी अवेलेबल नहीं था कहीं और ये काफी मुश्किल हो गया था उसको पकड़ना। अगेन PS कश्मीरी गेट की टीम ने ये पता किया कि वो कहाँ काम करता था, वहां से उसके फोटोग्राफ कुछ मिल सकते हैं तो उन पे काफी काम किया और जो डिजीज था उसकी भी टेक्निकल सर्वेलेंस की गई। इसी के साथ एक हिंट मिला कि हो सकता है ये जो राजेश नाम का व्यक्ति है इसी ने ही ये काम किया है और ये अपने आप को छुपाने के लिए दिल्ली से बाहर भाग चुका है। एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आई थी टीम के पास कि हो सकता है ये पटना में हो क्योंकि ये वहां का रहने वाला है, ओरिजिनली वहां का रहने वाला है। इसी इंफॉर्मेशन पे टीम रवाना हो गई थी पटना में और साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन भी जनरेट हुई कि क्योंकि मोबाइल डिजीज का मिला नहीं था तो इस पे भी जब टीम काम कर रही थी तो ये देखा गया था कि इस मोबाइल में कई बार एक अलग सिम भी लगाया जा रहा था। इस इंफॉर्मेशन को भी डेवलप किया गया तो वो सिम भी राजेश का ही निकला जो अवेलेबल नहीं था वहाँ, जो गायब हो रखा था। टीम पटना पहुंची और वहां पे भी टीम का बहुत अच्छा गुडवर्क रहा कि उन्होंने उसको रेलवे स्टेशन पे ढूंढ निकाला जब वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे सो रहा था, तो उसकी जो लोकेशन थी वो एग्जैक्ट नहीं थी, फिर भी रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ वाले इलाके में
टीम ने एक बहुत ही ब्लर्ड फोटोग्राफ जो मिला था उसके बेसिस पे और सिर्फ नाम के बेसिस पे उसका पता लगाया और उससे पूछताछ वहीं पे चालू की। इस पूछताछ में पता लगा, उसने एडमिट किया कि उसने ये वारदात की है, और जब उससे पूछा गया कि क्यों की है, तब ये खुलासा हुआ कि जो डिसीज था और जो हमारा एलेज था, ये एक होमोसेक्सुअल रिलेशन में थे, और इसमें कहीं ना कहीं एक होमोसेक्सुअलिटी का एंगल आ रहा था, जिसमें डिसीज जो अक्यूज्ड है वो उसको डिसीज ने मारा था, परेशान हो गया था वो, एंड उसने दोनों ड्रंक थे, और उसने फिर ये जब इंसिडेंट हो रहा था तो डिजीज की मुंह में स्मॉदरिंग करके हत्या कर दी।